नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल आज 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इन हड़ताली कर्मियों में एम्बुलेंस के ड्राइवर भी शामिल है, जिनके कारण मरीजों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन और सिविल अस्पताल के लोकल ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा एम्बुलेंस ड्राइवरों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि गंभीर रूप से दाखिल मरीज को यहां वहां ले जाने में कोई भी मुश्किल ना हो। इस गंभीर मुद्दे पर जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के लोकल ट्रांसपोर्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर एनएचएम कर्मियों के साथ हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में उनके विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक ड्राइवरों की व्यवस्था की है, जिसमें जिला प्रशासन ने हमें 14 ड्राइवर उपलब्ध कराए हैं, जबकि कौशल विभाग से 8 ड्राइवर हमने रखे हैं। इस तरह हमारे पास 25 ड्राइवर वैकल्पिक रूप से मौजूद हैं, जिसके तहत रेफर करने वाले मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को मैनेज करने वाले भी हड़ताल पर हैं, ऐसे में कैजुअल ऑपरेटरों की व्यवस्था भी यहां पुख्ता की गई है, ऐसे में कोई भी परेशानी सामने नहीं आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी तो नहीं है, लेकिन वह उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो एनएचएम कर्मियों की बातचीत होनी है उसमें सकारात्मक बातचीत हो और मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों का समाधान हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और बीके सिविल अस्पताल में आप क्या सेवाएं दे रहे हैं, और जिस तरह से एनएचएम की हड़ताल चल रही है उसमें कई जो एम्बुलेंस जो ड्राइवर हैं वो भी उस हड़ताल में शामिल हैं। लगभग देखा जा रहा है कुछ असर तो दिख रहा है, लेकिन वैकल्पिक तौर की बात करें तो वैकल्पिक रूप में जो है क्या क्या सेवाएं जो है अभी शुरू कर दी गई। मैं डॉक्टर एमपी सिंह हूँ, नोडल ऑफिसर रेफरल ट्रांसपोर्ट, जिसमें एम्बुलेंस सारा मेरे उसमें है, डिस्ट्रिक्ट का मैं देख रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि हमारे एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनका पिछली 26 तारीख से हड़ताल चल रहा है, और आज जो है 8 तारीख है, तो काफ़ी टाइम हो रहा है। रेफरल ट्रांसपोर्ट एक ऐसा है जिसमें कि भी मरीज को रेफर करना होता है, या उसको यहाँ पी के हॉस्पिटल ले आना होता है, या हमारा जो एसडीएच है बल्लभगढ़, वहाँ पेशेंट को ले जाना होता है। तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है सिविल सर्जन के द्वारा। डीसी महोदय से बात हुई थी और हमने डिमांड की थी कि हमें ड्राइवर्स दिए जाएँ, तो उन्होंने हमें ड्राइवर्स प्रोवाइड कराए हैं, जो अराउंड 17 ड्राइवर्स हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए हैं, और 8 जो हमारे ड्राइवर हैं वो HKRNL के थ्रू हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू हमें 8 ड्राइवर मिले हुए। तो टोटल 25 ड्राइवर अभी फिलहाल जिला फरीदाबाद के रेफरल ट्रांसपोर्ट में लगाए गए हैं, जिनकी रोटेशन के अंदर ड्यूटी लगी हुई है, जैसे डे और नाइट। तो उसमें जो भी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो बल्लभगढ़ से रिलेटेड हो या फिर हमारे बीके हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, उन सारी जगहों पे मरीज को या तो सफदरजंग भेजना है तो सफदरजंग भेज रहे हैं, या फिर फील्ड से बीके हॉस्पिटल लेके आना है तो बीके हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। तो इसका असर देखा जा रहा है कि जो हड़ताल है अस्पताल में इसका कितना असर देखा जा रहा है? देखिए, फर्क तो होता ही है, क्योंकि जो हमारे स्टाफ हैं एनएचएम के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे स्टाफ नर्स हों या हमारे एएनएम्स हों या हमारे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ये सारे स्किल्ड पर्सन होते हैं, इनको इनकी ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है। तो जब हम दूसरे स्टाफ्स लेते हैं, बाहर से हायर करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम को समझने में, काम करने में, लेकिन बावजूद इसके जो है हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं इनकी ड्यूटी भी हमने कंट्रोल रूम में लगाया हुआ है, आईए के रूप में, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप के अंदर, और ये सारे लोग वहाँ कंट्रोल रूम में बैठ के जो कॉल्स आ रही हैं पेशेंट से संबंधित, कि इनको हायर सेंटर भेजना है, या फिर कॉल आ रही है कि कोई डिलीवरी का केस है बीके हॉस्पिटल में लेके आना है, तो इमीडिएट एम्बुलेंस वहाँ जो है उनके ड्राइवर जो हमने रखे हुए हैं उनको वहाँ पे लोकेशन पे भेज देते हैं, और फिर पेशेंट को मोबिलाइज करवाते हैं। थैंक यू सर।